सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि हम अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, उसका एक तरीका है जिसके लिए हमें आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। और दोस्तों, साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या हमें ऑनलाइन अपना नंबर आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं और क्या ये करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना एक छोटा सा प्रोसेस होता है दोस्तों। हमें आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वहाँ आके हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हमें अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाना पड़ता है, जो भी हम उस फॉर्म में फिल करते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अपना नंबर या अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करने के, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। दोस्तों, ऑनलाइन तरीका ऐसा होता है जिसमें लोग अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से और अपडेट कर लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है दोस्तों ऑफलाइन, जिसमें लोग डायरेक्टली जनसेवा केंद्र जाकर उसमें कुछ भी अपडेट कराना होता है अपने आधार कार्ड में उन्हें, तो वहाँ आके करा लेते हैं। और दोस्तों, दोनों में जो फीस होती है सेम ही लगती है, 40-50 रुपये समथिंग फीस लगती है अपडेट कराने की, तो दोनों प्रोसेस में सेम ही फीस लगती है। लेकिन दोस्तों, जो ऑफलाइन तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा बेटर है। वो क्यों बेटर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन तरीके में दोस्तों, हम जो भी अपडेट करते हैं तो सारा अपडेट करने के बाद हमें एक बार जनसेवा केंद्र विजिट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आके हमें अपना आधार वेरीफाई कराना पड़ता है। बिना वेरीफाई के आपके आधार में कुछ भी अपडेट नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें हमें डबल मेहनत लग जाती है कि पहले हम अपने ऑनलाइन अपने मोबाइल से उसमें अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद हमें जनसेवा केंद्र जाना पड़ता है। और दोस्तों, ऑफलाइन तरीका ऐसा है कि आपको डायरेक्टली जनसेवा केंद्र जाना पड़ता है, और आपको जो भी अपडेट कराना होता है आपको डायरेक्टली वहाँ आकर उनसे बोलना पड़ता है, वो खुद कर देते हैं और जो फीस होती है फीस ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको कुछ भी अपडेट कराना हो, चाहे आपका नंबर हो या आपका एड्रेस हो या आपका नाम हो, आप डायरेक्टली जनसेवा केंद्र जाओ और वहाँ आके अपडेट करा लो, क्योंकि जो पैसा आप ऑनलाइन में दोगे सेम उतने ही पैसे आपको जनसेवा केंद्र जाके देने पड़ते हैं, और आपका आधार कुछ टाइम बाद नया होके आ जाता है। और दोस्तों, वो आपको स्लिप भी देते हैं, जब तक आपका आधार नहीं आता तब तक वो स्लिप आपके काम कर जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जब भी कुछ करप्शन कराओ अपने आधार कार्ड में, तो आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, आप डायरेक्टली जनसेवा केंद्र जाएं और वहाँ आकर आपको जो भी करप्शन कराना है वहाँ आकर डायरेक्ट कराएं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका टाइम भी बच जाता है और जो भी अपडेट कराते हो दोस्तों उसका आपको प्रूफ भी मिल जाता है। क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप डायरेक्टली वहाँ आकर उनसे बोल सकते हो कि हमने ये कराया था और जो थोड़ा गलत हो गया है, तो वो उसे सही करके देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आधार कार्ड में नंबर या कुछ भी अपडेट कैसे कराएं, और हमें ऑफलाइन कराना चाहिए या ऑनलाइन कराना चाहिए। आपको दोनों तरीके अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।